हमने दो तीन बार दिल्ली में भी गया, लखनऊ में भी गया, वहाँ पे हमने ये देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सब आपस में ही मारी मारा करते हैं। क्या सर ये जो अलग अलग अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं इससे समाज पे कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो बहुत पड़ेगा। इसमें ये है कि अन्य समाज वाले देखते हैं तो उनको लगता है कि ये ड्रामा हो रहा है, कोई समाज का ये संगठन नहीं है, ये ड्रामा है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। मैं अखिलेश राजभर और आज इस समय हम सूरत में हैं, जय जवान जय किसान नगर में हैं और यह पंडेशरा में पड़ता है और हम राजभर निवास में हैं और राजभर निवास के मालिक और समाज से वरिष्ठ समाज से भी शिव पूजन राजभर जी के घर में है और शिव पूजन राजभर जी अखिल भारतीय राजभर संगठन गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफ़ी समय से हैं गुजरात के अंदर, इनका समाज से काफ़ी लगाव और काफ़ी समाज को योगदान करते हैं। किसी की छोटी समस्या से हो या बड़ी समस्या हो, जैसी इनकी शक्ति रहती है समाज की सेवा में लगे रहते हैं और कम से कम आज ये 40 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मिलते हैं शिव पूजन राजभर जी से और जानेंगे, अखिल भारतीय राजभर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, तो यहाँ पे इन संगठन के माध्यम से कैसे काम करते हैं। तो सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आप जितने भी यहाँ उपस्थित भाई हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं ये समाज संगठन के बारे में मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारा समाज जो है ईमानदारी से जो भी है, बोलने के लिए तो बहुत लोग सब बोलते हैं लेकिन ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी से समाज को अपना जो भी है वो बात करें और ईमानदारी से काम करें और तब जाकर के समाज का सुधार होगा। और हम आपसे दुनिया भर का चार गाड़ी बोलें, झूठ कपाट बोलें और फालतू की बात करें तो मज़ा नहीं आता। समाज में अगर काम करना है, समाज का देखना है, तो समाज में ईमानदारी से बात करना, ईमानदारी से काम करिए और समाज में झूठ कपाट नहीं चलता है, कोई भी समाज हो। मतलब तो मैं अपनी समाज की बात करता हूँ, जो हमने किया हूँ, हमने 40 बरस का जो समय बिताया वो हमने ईमानदारी से, चाहे अमीर हो या गरीब हो, मैं भी तो गरीबी था, मैं भी कोई बड़ा आदमी नहीं था, भले आज बड़ा बन गया हूँ लेकिन पहले गरीब था, तो मैं भी ईमानदारी से काम किया हूँ समाज का, तभी आज समाज हमारा नाम ले रहा है। सर, जानना चाहेंगे कि 40 साल की सेवा, समझ लगभग 40 साल से ज़्यादा आपने समाज सेवा में लगा दी, तब से और अब तक समाज में कितना बदलाव आया है? नहीं, समाज में तो बहुत बदलाव आया है। हम लोगों का मेहनत और हमारे समाज का मेहनत जो भी रंग लाई है कि उसमें सुधार, शिक्षा में भी सुधार हुआ और घर मकान में भी सुधार हुआ और नौकरी में भी सुधार हुआ, जगह जगह मकान भी सबका बना हुआ है बढ़िया, फैक्ट्री भी है, मतलब सुधार हुआ है, सब में सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा थे वैसा नहीं है, सुधार हुआ है, बहुत हुआ है। जो हम लोग मेहनत किए तो मेहनत का फल मीठा होता है, वो हुआ है। सर, एक सवाल और करेंगे, ये आपके संगठन से रिलेटेड है कि अखिल भारतीय राजभर संगठन पूरे भारत के लिए बनाया गया है, पूरे भारत के लिए, लेकिन जिस हिसाब से उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट कहीं समाज के प्रति मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो आप ये बात सही बोल रहे हैं। हमने दो तीन बार दिल्ली में भी गया, लखनऊ में भी गया, वहाँ पे हमने ये देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सब आपस में ही मारी मारा करते हैं। आखिर क्यों? समाज की भलाई के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। समाज के भलाई के लिए आप लोग चुने जाते हो तो आपको जो समाज चुनती है, जिसको चुनती है उसको रहना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हमने देखा, लड़ाई झगड़ा भी देखा कई बार और सारी बातें देखा हमने, हमको बहुत ख़राब लगा। क्योंकि हम सूरत में, हमारे यहाँ जो भी आए हैं, हम लोगों ने जो भी हमसे टूटे फूटे शब्दों में, रुखी सुखी जो भी हम लोगों के पास रहा, हम लोग सेवा में लेकर के हाजिर रहे, लेकिन हम लोग वहाँ गए तो लोगों को रहन सहन देख करके, बात व्यवहार देख करके,
बहुत हमको ख़राब लगा, लेकिन हमने तो बहुत बातचीत भी किया। सुखदेव भाई थे जो, सुखदेव जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम, वो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनसे भी बातचीत हुआ। लेकिन जाकर के हम लोगों को होटल बुक करवाया, हमने कहा हम आपके यहाँ होटल, हम भूखे चले जाएंगे, लेकिन हमको ये खाने के लिए आपके यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन हम ये देखने के लिए देख रहा हूँ कि आप लोग समाज में जैसे जाते हो, हमारे यहाँ जाते हो, गुजरात में या बम्बई में जाते हो, तो सब लोग आपका सेवा सत्कार करते हैं, और आपको, आप जाते हो तो आपको जो भी सेवा होता है वो करते हैं, इज्जत बात देते हैं, मान सम्मान देते हैं, लेकिन आप लोग करते हो तो आप लोग क्या करते हो? यहाँ आने के बाद किसी को पानी नहीं मिलता, किसी को दाना नहीं मिलता, किसी को रहने का ठिकाना नहीं है, ऐसा क्यों करते हो? अभी जैसे बाहर से आए हैं, बाहर से हम लोग आए, बम्बई, कलकत्ता और गुजरात से, तो हम लोग कहाँ जाएँगे रहने के लिए? तो यहाँ का जो होगा वही रखेंगे ना। तो इसके बाद में वो सुखदेव जी बोले कि एक काम करिए, और एक थे और उनको बोले कि आप ले जाकर के इनको वो होटल बुक करवा दीजिए। रामबूज भी थे बम्बई के, जो रामबूज जी वकील साहब हैं ना, वो भी थे, उनके लड़के भी थे, हमारे रामनाथ भाई गुजर गए हैं वो भी थे, लेकिन हमने फिर गया ले जाकर के, रामनाथ भाई कहने लगे जाने दीजिए। उतना लंबा जाएंगे नहीं हमें, क्योंकि हमें सिर्फ मुद्दा चाहिए, मुद्दा कि हम समाज को एक कैसे जोड़े, कि जब आप अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए आप त्याग नहीं कर सकते हैं। चलिए आपने अध्यक्ष पद का पद लिया, काम भी उसी पद से होना चाहिए, उसी हिसाब से होना चाहिए। नहीं, काम तो सही बात है, ईमानदारी से, एक बात आपको बता दिया कि ईमानदारी से होनी चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से करोगे तो सब लोग देखेंगे कि नहीं भाई ईमानदार आदमी है। तो संगठन से वो बड़े ले जो ऊँचे पद पर हैं सब लोग, तो संगठन के लिए क्या, भलाई के लिए क्या कहना चाहेंगे उन लोग के लिए? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं अभी तिलोकी जी बने थे, उनका लेटर पेड हमको मिला है अध्यक्ष का, हमको अध्यक्ष बनाए तो भी आए थे हमारे यहाँ होटल में। जयप्रकाश जी हैं जो बॉम्बे के हैं, वो भी आए थे, वो भी अध्यक्ष एक बार बने थे, वो भी हमको दिए, लेटर पेड दिए हैं, दोनों जन का है मेरे पास। अभी अभी वो राज्यसभा सांसद जो हैं सकलदीप जी बने हैं, अभी हमने भिवंडी में गया था तो देखा था कि भाई वो बोल रहे थे मैं अध्यक्ष हूँ। क्या सर ये जो अलग अलग अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं, इससे समाज पे कितना फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। इसमें ये है कि अन्य समाज वाले देखते हैं तो उनको लगता है कि ये ड्रामा हो रहा है, कोई समाज का ये संगठन नहीं है, ये ड्रामा है। मतलब कि ये सब समाज का जो संगठन में अगर संगठित नहीं है, एक जगह जुट करके और एक जन को, कोई किसी को भी बनाओ, एक जन को बनाओ और वो समाज को लेकर के लेकर चले तो ये समाज में अच्छा सुझाव जाएगा, अच्छा एक प्रचार जाएगा, एक अच्छा मतलब बात होगी। और लेकिन हम कहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ दौड़ हम बन जाते हैं, कल वो बन जाएंगे, परसों वो बन जाएंगे, सोचेंगे हमारा नाम होगा, वो हमारा नाम, ये सब अच्छा काम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।